आगे उसी से निकलेंगे जिसका नाम क्या है फॉरेन वर्ड्स अबाउट नॉन के बारे में पढ़ेंगे। तो हेडिंग डाल दो आप, लिखिए। कल जो हेडिंग डलवाए थे याद है आपको, क्या था हेडिंग में बताएं। आज उसी से हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। बोलो, याद है ना सब कुछ? आज आपका नंबर, नॉन और नंबर का लास्ट क्लास होगा। इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे जेंडर का केस, ठीक है? इसके आगे क्या पढ़ेंगे? जेंडर। चलो देखो, फिलहाल हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे कि नॉन और नंबर यानी सिंगुलर प्लुरल करना, और बताए थे कुछ विदेशी वर्ड हैं, और अंग्रेज़ी एक प्योर लैंग्वेज नहीं इम्प्योर लैंग्वेज है। प्योर मतलब होता शुद्ध, और इम्प्योर मतलब शुद्ध ना होना, मतलब उसमें कुछ ना कुछ इम्प्योरिटी आ जाती है, दूसरे का मिलावट हो जाता, समझे कि नहीं समझे। और यही भाषा जो है बोरोइंग लैंग्वेज है, पिछले क्लास में पढ़ चुके थे याद है आपको। तो उसी से हम लोग पढ़ेंगे कि देखो कुछ ऐसी बात भी कल बताए थे कि आई एस लास्ट में लगा रहे तब उसका पुलर ई एस लगा देंगे, समझ पा रहे कि नहीं पा रहे। जैसे एक्सिस का एक्सिस याद है आपको, क्राइसिस का क्राइसिस याद है। उसी में से कुछ बातें देखो यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा देखो, और उसमें से हम लोग करेंगे। देखो सिस वाला केस, देखो सिस है, सिस कर दिया, तो ये बातें याद रख। लेकिन हर पे अप्लाई नहीं होता। देखो अब मीडियम, मीडियम एक क्या है? तो मीडियम का मतलब होता है स्रोत, स्रोत समझते हो आप। तो इस सिंगुलर है, इधर क्या लिखोगे? एक तरफ मीडियम का मीडिया क्यों बना दे, बता रहे हैं। देखो ये एक क्या है? तो सिंगुलर है, इधर क्या लिखोगे? सिंगुलर होगा। और इधर क्या है? तो प्लुरल वाला केस है, यानी आपके जो राइट हैंड में होगा वो प्लुरल होगा, और लेफ्ट हैंड में जो होगा वो क्या होगा? सिंगुलर होगा। देखिए ऐसा कोई स्पेसिफिक बातें नहीं है कि मीडियम का मीडिया ही क्यों हुआ, बातें समझ रहे? मालूम चला एक नया भाषा इंडिया में आया है, होता है कभी कभी नया भाषा क्रिएट हुआ, तो बताओ इंडिया में आने के बाद वहाँ से हिंदी से कुछ बातें वो चोरी करके ले गया, तो हिंदी में जो सिंगुलर प्लुरल होता है वही ना वहाँ दिखाएगा कि देखो सिंगुलर प्लुरल होगा। इसी तरह वहाँ भी देखेंगे कि इंग्लैंड का भी भाषा अंग्रेजी नहीं, वहाँ भी लोग आक्रमण किए, वहाँ एंग्लो सैक्सन की कहानी पढ़ोगे तब पता चलेगा कि अंग्रेजी पहले वर्ड इंग्लिक था, इंग्लिश का नाम क्या था? इंग्लिक था, इंग्लिक से इंग्लिश बना, समझ पा रहे कि नहीं पा रहे। और वहाँ देखो इंग्लैंड के लोग पहले इंगालैंड के नाम से जाते थे, बाद में वो देश भी इंग्लैंड बना। जब स्टोरी ऑफ इंग्लिश पढ़ोगे तो समझ में आएगा, इसीलिए बोरोइंग लैंग्वेज या भाषा लिया हुआ, समझ पा रहे? तो जहाँ बोला जाता था मीडियम का मीडिया, सिंगुलर से प्लुरल तो कर दिया गया, समझ पा रहे? इसका कोई स्पेसिफिक रीज़न नहीं है। तो समझ में आ गया कि सिंगुलर अगर मीडिया है तो इसका प्लुरल क्या होगा? मीडिया होगा। ओसिस का बताओ क्या होगा? ओसिस होगा। और ओसिस का मतलब क्या होता है? देखो लिखा हुआ है रेगिस्तान की हरी भरी भूमि, उसको आप क्या कहोगे? ओसिस कहोगे। ओसिस का क्या समझोगे? ओसिस। देखो आप इंडिया में आओगे तो राजस्थान एक स्टेट है, वहाँ मरुस्थल एरिया ज़्यादा है, मतलब सूखा इलाका है, और वहाँ जब एक रेगिस्तान का जो भूमि है, भूमि मतलब लैंड है, ज़मीन है, अगर वो रेगिस्तान का हरा भरा दिखने लगे तो उसको आप ओसिस कहेंगे, क्लियर है? अब एक वर्ड है जिसका नाम है सीरीज। सीरीज का देखो सिंगुलर प्लुरल दोनों सेम ही होता, आप स्टार लगा लो सिंगुलर प्लुरल क्या होगा? सेम ही होगा। स्पेसीज का क्या बनेगा? स्पेसीज ही हो जाएगी, समझ पा रहे? आगे हम लोग नॉन एडवांस से पढ़ेंगे कि कुछ ऐसे नॉन है जिसका सिंगुलर प्लुरल सेम होता है, समझे कि नहीं समझे। जैसे आप पढ़ोगे डियर, डियर बताओ जो आप कहते हो ये सिंगुलर प्लुरल दोनों है, डिपेंड करता है कि हम लोग सेंटेंस में कैसे यूज़ कर रहे। तो नहीं अभी एस उस नहीं लगाएंगे, डायरेक्ट डियर का डियर सिंगुलर प्लुरल दोनों होगा, लेकिन सेंटेंस बताएगा कि सिंगुलर है कि प्लुरल, बातें समझ पा रहे कि नहीं पा रहे, कोई दिक्कत तो नहीं है। जैसे जितने भी कलेक्टिव नॉन आगे पढ़ेंगे जैसे जूरी है ना, तो ये सिंगुलर प्लुरल दोनों होगा, सेंटेंस डिसाइड करेगा कि है क्या, बोलो है कि नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ये आगे चल के पढ़ेंगे, बहुत सारी बातें जो छुपी हुई है, फिलहाल इतना पढ़ के चलो जितना पढ़ा रहे हैं। सीरीज का सिंगुलर प्लुरल क्या होगा? सेम होगा, सीरीज का सीरीज ही रह जाएगा, क्लियर है? उसी तरह स्पीसीज का क्या बनेगा? स्पीसीज रहेगा। नहीं तो आप जूरी भी लिख सकते हो, जूरी का सिंगुलर प्लुरल बिल्कुल सेम होता है, उसी तरह डियर का भी सिंगुलर प्लुरल दोनों सेम होता है। आगे चल के पढ़ेंगे कि ये पकड़ेंगे कैसे सर कि सिंगुलर है कि प्लुरल, तो सेंटेंस में दिखाएंगे कि देखिए इसके साथ अगर वर्ब सिंगुलर आ रहा है तो सिंगुलर समझेंगे, अगर प्लुरल आ रहा है तो प्लुरल समझेंगे, क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है। तो आगे चल के पढ़ेंगे फिलहाल ये सब बातें। अब देखो नाम है, स्पीसीज का मतलब होता है जाति, और सीरीज का मतलब होता है क्रम, होता है ना। अब एपरेटस का मतलब होता है यंत्र, इक्विपमेंट, एक ये मतलब क्या है? यंत्र का नाम है एपरेटस। एपरेटस का क्या बनता है? एपरेटस ही रहता है, सिंगुलर प्लुरल दोनों क्या होता है? सेम होता है। और टर्मिनस का क्या बनेगा? टर्मिनी, क्या बनेगा? टर्मिनस का मतलब होता है टर्मिनी, और टर्मिनस का मतलब होता है अंत। मालूम चला ट्रेन अगर पटना से खुले और यहाँ पे कोई जगह है, कोई भी नाम ले लो, मालूम चला मालूम चला एक बांद्रा टर्मिनस नाम लिख देते हैं, बांद्रा टर्मिनस, बांद्रा का मतलब एक जगह हो गया,
समझ, टर्मिनस मतलब बेंडर से आगे गाड़ी नहीं जाएगी, क्लोज हो चुकी है, यहीं से आएगी और यहाँ जाएगी वापस, लेकिन इसके आगे नहीं बढ़ेगी, तो उस जगह को आप टर्मिनस कहोगे। यहाँ से खुल सकती है लेकिन आगे बढ़ नहीं सकती, वहाँ पे से आप क्या कहोगे, उस जगह को टर्मिनस कहोगे। देखो जंक्शन का मतलब जो होता है, आपने पढ़ा होगा जंक्शन, जंक्शन में ट्रेन आई, आने के बाद इधर जा सकती, इधर जा सकती, इधर जा सकती, कहीं भी घूम सकती, ये जंक्शन है, समझे कि समझे, आपने पढ़ा होगा जंक्शन है भाई, जंक्शन मतलब पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण कहीं भी गाड़ी ला के घुमा सकते हैं, ये होता है जंक्शन। आप सुना कि गया जंक्शन, पटना जंक्शन, इसका मतलब पूरा पश्चिम कहीं भी घुमा देगा आगे, समझ पा रहे कि नहीं पा रहे, कहीं रेल बिछा हुआ। और अगर टर्मिनस लिखा गया तो समझ जाए, टर्मिनस का मतलब गाड़ी आ तो सकती है, आगे जा नहीं सकती, वहीं तक स्टॉप है फुल, समझ। और इनमें मतलब कई सारे प्लेटफॉर्म होंगे, ऐसे नहीं 10-15 प्लेटफॉर्म हो सकता है, लेकिन आगे नहीं बढ़ेगा, यहीं से खुलेगा, आएगा खुलेगा, आगे नहीं जाएगा, समझे कि नहीं समझे, उस जगह को आप टर्मिनस कहोगे। चलो एक वर्ड है जिसका नाम है इंडेक्स, इंडेक्स का मतलब होता है सूची, जिसको आप डेटा कहते हो, इंडाइसिस इसका हो जाएगा प्लुरल। वर्ड है हाइपोथेसिस, याद करो SIS वाला हमेशा ES में चेंज हो जाएगा, तो हाइपोथेसिस हो जाएगा। हाइपोथेसिस का मतलब होता है शर्त, शर्त का मतलब होता है उपकल्पना, पहले से ऐसा मान लेना कि ऐसा होना, समझ पड़े, कंडीशन जिसको आप कहते हो हाइपोथेसिस, मान लेना। डिमॉन का मतलब होता है दानव, दानव का मतलब होता है शैतान टाइप का, पिसाच लोग, ऐसा देखा कि नहीं देखा कि उद्यमी होते हैं एकदम, कुछ भी कर बैठते, उसको आप डिमॉन कहोगे, और डिमॉन का क्या बनेगा, डिमॉन्स, देखा कि नहीं देखा, राक्षस टाइप का होता है इंसान, उसको आप कहोगे शैतान। मिलेनियम का पुलर बनेगा मिलेनिया, या मिलेनिया बनेगा या मिलेनियम्स बनेगा, दोनों सही है। मतलब मिलेनिया, मिलेनियम का मतलब क्या होता है, तो 1000 वर्ष की अवधि, यानी जब 1000 साल पूरा होता है तब उसको आप मिलेनियम कहते हैं, समझ पा रहे कि नहीं पा रहे। हाँ तो कोई बात नहीं, दोनों सही है, मालूम चला आपने लैंग्वेज भी कुछ रूल रेगुलेशन दे दिया। देखो एम वाला केस में वाई अखिर ए बन जाता है, याद है ना, उसी तरह अब एस वाला केस भी दे दिया, वो लैंग्वेज के ऊपर डिपेंड करता कि कहाँ से लिया गया। ये इतिहास जब पढ़ते हो तो फिर फ्रेंच का वर्ड पढ़ना पड़ेगा, फिर देखोगे ग्रीक वाला वर्ड होगा, तब आपको समझना कि ऐसा क्यों हुआ, लेकिन आपको इतना पढ़ना नहीं है। फिलहाल सीधा सीधा आप चल दो कि मिलेनियम है तो मिलेनियस, मिलेनियम्स बनेगा, या फिर मिलेनियम है तो मिलेनिया बनेगा, दोनों सही आपके एग्जाम में, या हो सकता कहीं है तो ये सब पूछने नहीं जा रहा कि वर्ड कहाँ से आया, ड्राइव कीजिए, कौन वर्ड कहाँ से कैसे यूज़ हुआ है बताइए, ऐसे आपको कोई PhD तो भाषा पे करना नहीं, तो उतनी टेंशन की बात नहीं है। आप नाम है पोडियम, पोडियम मतलब होता है इमारत के चारों ओर देखोगे लगातार चबूतरा बना देते, ऐसा देखा है कि नहीं देखा, उसको आप पोडियम कहते हो, और पोडियम का बनेगा पोडियम्स या पोडिया। देखो अम वाला अगर केस है या तो लास्ट में ए बन जाएगा या तो MS करके छोड़ सकते हो, दोनों सही है, क्लियर है। पोडियम का क्या बनेगा, पोडियम्स, देखो अम वाला केस ऊपर भी था तो लास्ट में सिर्फ ए करके छोड़ दिया था या MS कर दिया था, एस वाला केस है, दोनों सही है, समझ पा रहे कि नहीं पा रहे। उसी तरह बताइए एक नाम है जिसका नाम है स्ट्राटम, अच्छा उसके ऊपर है रोस्ट्रम, रोस्ट्रम का मतलब होता है मंच, भाषण मंच, जहाँ से आप भाषण देते हो उस मंच को आप क्या कहोगे, रोस्ट्रम कहोगे। कई जगह पे जाओगे तो शायद स्कूल में बना होता है, आप देखोगे रोस्ट्रम बना होता है कि वहाँ से जाओगे और भाषण दोगे, तो उस मंच को आप क्या कहोगे, भाषण मंच, और उसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, रोस्ट्रम कहेंगे। और रोस्ट्रम का बताइए प्लुरल क्या होगा, रोस्ट्रम्स होगा, और रोस्ट्रा भी हो सकता है, बोलो क्लियर है, रोस्ट्रा या रोस्ट्रम्स। अम वाला केस में देखोगे ए एंड में लगेगा, काम खत्म है, या MS लगा के छोड़ दो, दो मिनट सही, क्लियर है। एक वर्ड और है जिसका नाम है स्ट्राटम, स्ट्राटम का मतलब होता है सामाजिक स्तर, सामाजिक स्तर मतलब आप समाज में जहाँ रहते हो उसका लेवल, कि आप किस कैटेगरी में माने जाते हो। कि देखोगे आप फ्रांस की क्रांति अगर पढ़ते हो हिस्ट्री में, तो वहाँ भी तीन स्टेट थे, स्ट्राटम था, स्ट्राटम मतलब सामाजिक स्तर था, कि फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट और थर्ड स्टेट, ऐसा देखा नहीं देखा, फर्स्ट स्टेट एकदम VIP लोग हैं, सेकंड स्टेट उसके थोड़ा कम है, उसी के परिवार लोग, और थर्ड स्टेट इसका मतलब सब गए गुजरे लोग, किसान लोग हैं, मजदूर लोग हैं, बिजनेसमैन हैं, डॉक्टर साहब, टीचर साहब, सब थर्ड स्टेट में, समझ पा रहे कि नहीं पा रहे। और वो कहानी जब पढ़ोगे तो अलग स्तर होता था वहाँ, तो सामाजिक स्तर उसी को कहते हैं स्ट्राटम, और स्ट्राटम का पुलर बनेगा स्ट्राटम्स या स्ट्राटा। याद रखो आम वाला केस है तो आ या MS करके छोड़ देना, बोलो क्लियर है। फिर से बताओ नाम है पेंडुलम, पेंडुलम का मतलब ही होता है लोलक, लोलक मतलब कभी एक जगह ना रहना, उधर से उधर भागने वाला, ऐसा देखा कि नहीं देखा, तो उस इंसान को पेंडुलम कहोगे, और पेंडुलम का पेंडुलम्स बनेगा। जो इंसान आपके पास अभी है, कल हो सकता है दूसरे के साथ वफादार हो जाए, उसको आप पेंडुलम करना, एक जगह पे ना रहने वाला इंसान, या एक जगह पे रहने वाली नहीं चीज़, उसको क्या कहोगे, पेंडुलम, बदलता रहता, दिल डोलता रहता, ऐसा देखा है, पेंडुलम मार रहा, कभी इसके पास कभी उसके पास, तो उसको कहेंगे पेंडुलम, ऐसा देखा है ना, तोलन वाला काम,
वही होता है पेंडुलम लोलक, और पेंडुलम का क्या बनेगा, पेंडुलम्स बनेगा। एक और है मॉन्सियर, देखो यही फ्रांस की क्रांति में एक वर्ड और लिया गया है मॉन्सियर। मॉन्सियर का मतलब होता है महाशय, और महाशय का मतलब इसका पुलर क्या बनेगा, मॉन्सियर्स बनेगा। समझ पा रहे, यहाँ जब आओगे, सुनो फ्रांस की क्रांति में पढ़ोगे तो वहाँ जब आज़ादी मिली, आज़ादी का मतलब समझते हो, सामाजिक स्तर में बराबरी लाने का काम जब किया गया, 1789 वाला केस आपको याद होगा, याद है फ्रांस की क्रांति जब यही हुआ था, तो मॉन्सियर कहा जाता था पहले महाशय को, तो उसी महाशय मतलब मिस्टर, मिस्टर समझते हो, तो पहले मतलब फ्रांस में ना मिस्टर जो मतलब मेल लोग हैं उनको महाशय, पहले मॉन्सियर कहा जाता था, समझ पा रहे कि नहीं, और उसी को कहते थे मॉन्सियर का क्या बनेगा, मॉन्सियर्स बनेगा। एक वर्ड और है प्लेट्यू, प्लेट्यू मतलब होता है पठार, और प्लाट पठार का जो पुलर बनेगा प्लेट्यूक्स बनेगा, क्या बनेगा प्लेट्यूक्स। चलो एक इतना बातें समझ में, फिर से देखो मीडियम का बताओ, पुलर क्या है मीडिया बताइए, ओसिस का क्या बनेगा ओसिस, बताओ सीरीज का क्या बनेगा सीरीजेज रह जाएगा, और स्पीसीज का क्या बनेगा स्पीसीज रहेगा, एपरेटस का क्या बनेगा एपरेटस, सबका हिंदी मालूम है ना एकदम टनाटन चाहिए, बताओ टर्मिनल्स का मतलब, हाँ ये सब समझ में आ रहा है टर्मिनल्स वर्ड कैसे यूज होगा। इंडेक्स का मतलब बताओ, इंडाइसिस, अब बताओ हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस डिमोन डिमोन्स, मिलेनियम मिलेनिया या मिलेनिया या मिलेनियम्स दोनों सही है, इम्पोडियम पोडियम या पोडियम पोडियम्स होगा या पोडिया होगा, बताओ रोस्ट्रम रोस्ट्रम का क्या बनेगा मंच भाषण, जिसको रोस्ट्रम्स या रोस्ट्रा कहोगे। स्ट्राटम, स्ट्राटम का क्या सामाजिक स्तर, स्ट्राटम्स या स्ट्राटा बताइए। पेंडुलम, पेंडुलम मतलब पेंडुलम्स होगा, देखो मॉन्सियर मॉन्सियर्स होगा, प्लेट्यू प्लेट्यूएक्स, क्लियर है कोई दिक्कत नहीं है। इधर से अब आओ देखो पेट्रोल का क्या बनेगा, पेट्रोलियम का बनेगा पेट्रोलियम्स, पेट्रोलियम का क्या बनेगा पेट्रोलियम्स, डेकोरम का बनेगा डेकोरम्स। देखो पेट्रोल का पेट्रोलियम का मतलब पेट्रोलियम होगा, उसका हिंदी चेंज नहीं होगा, जैसे किसी चीज़ का नाम है किसी मतलब पदार्थ का नाम है तो उसमें कोई चेंज नहीं आया, जैसे आपका नाम है तो हिंदी अंग्रेजी भाषा कहीं भी रहे, मालूम चला चाइना में आपका नाम हो तो आपका नाम ही ना लिखेंगे और क्या लिख सकते, प्रोनंसिएशन तो वही होगा, तो चेंज नहीं हो। डेकोरम का मतलब होता है शिष्टाचार, जो आप देखते हो कहीं कहीं पे आप अपना बना के रखते हो इज्जत स्टेटस, उसको आप डेकोरम कहते हैं, है ना। डेकोरम का क्या बनेगा डेकोरम्स कहोगे। एजिलम, एजिलम का मतलब होता है आश्रम, देखो आश्रम बनाया जाता है होता है कि नहीं रहने के लिए, तो उसको आप क्या कहोगे एजिलम का, एजिलम्स बनेंगे। देखो इसको आप जहाँ जहाँ मैंने छोड़ दिया है समझ जाना उसका पुलर सिर्फ एस लगा के बनाना, बोलो कर लोगे बताओ। उसी तरह जिमनेजियम का क्या बनेगा, जिमनेजियम जहाँ जिम करने के लिए एक्सरसाइज करने के लिए जगह होता है उसको आप क्या कहोगे जिमनेजियम, जिमनेजियम का क्या बनेगा जिमनेजियम्स। उसी तरह हारमोनियम का क्या बनेगा हारमोनियम्स। उसी तरह स्टेडियम का क्या बनेगा स्टेडियम्स। उसी तरह करिकुलम का मतलब क्या होता है करिकुला या करिकुलम्स, इसका मतलब होता है सिलेबस को कैसे बनाया जाए, पढ़ाने के स्टाइल स्ट्रक्चर समझ पा रहे सिस्टम, उसको आप करिकुलम कहते हैं। और एक्वारियम का मतलब होता है मतलब सिलेबस को किस तरह डिज़ाइन किया जाए उस सिस्टम को आप करिकुलम कहते हैं। आप देखोगे सीबीएसई करिकुलम, इसका मतलब क्या समझोगे सीबीएसई ने जिस टाइप से सिलेबस पढ़ने के लिए दिया है उस चीज़ को आप क्या कहोगे करिकुलम कहेंगे। जैसे बीएससी करिकुलम, इसका मतलब होता है बिहार बोर्ड का जो सिस्टम दिया गया सजावट सिलेबस का, किस तरह से पढ़ना है, किस तरह से इलेवंथ पढ़ना है, किस तरह से ट्वेल्थ पढ़ना, कौन कौन सा चैप्टर सिलेबस में, उसको आप क्या कहोगे करिकुलम कहोगे। करिकुलम आप समझते हो, करिकुलम का मतलब करिकुला हो जाएगा और करिकुलम्स हो जाएगा। एक वर्ड है एक्वारियम, एक्वारियम समझते हो क्या होता है, इसका मतलब होता है जब जो जीव, जीव का मतलब समझते ही आप जो, हाँ जो जीव कहाँ रहते हैं पानी में रहते हैं, उस चीज़ को आप क्या कहो एक्वारियम कहोगे, उस सिस्टम को एक्वारियम का क्या बनेगा एक्वारिया, या फिर एक्वारियम के एक्वारियम्स भी बन सकता है, एक्वारियम का क्या बनेगा एक्वारियम्स, दोनों सही है, बोले समझ में आ रहा है। उसी तरह बताओ ऑडिटोरियम, ऑडिटोरियम का ऑडिटोरियम्स बनेगा, म्यूजियम, म्यूजियम का म्यूजियम्स बनेगा। उसी तरह प्रीमियम, प्रीमियम का मतलब प्रीमियम्स बनेगा, और प्रीमियम का हिंदी क्या होता है किश्त, म्यूजियम का क्या होगा संग्रहालय, ऑडिटोरियम का मतलब क्या होता है श्रोता कक्ष, समझ पा रहे। और एक्वारियम का मतलब भी बताए हैं जहाँ मतलब पानी वाले जीव जंतु को रखा जाए उस, इसको आप क्या कहो एक्वारियम कहोगे। उसी तरह फोरम, फोरम का क्या बनेगा मंच या न्यायालय, अब फोरम का क्या बनेगा फोरम्स। उसी तरह मोजोलियम, मोजोलियम का मतलब होता है समाधि या मकबरा, समझ पा रहे जिसको आप टूम कहते हो ना TOMB टूम वाला केस, उसको क्या कहोगे मोजोलियम, मोजोलियम का मतलब क्या समझोगे मकबरा या समाधि। एल्बम, एल्बम का मतलब क्या होता है एल्बम, आपने देखा भी होगा एल्बम,
एल्बम का मतलब होता है संग्रह पुस्तक, जहाँ पे आप कलेक्शन कर लो तस्वीर का, कोई चीज़ का जिसमें यादगारी रह पाए, और इकट्ठा संग्रह को आप क्या कहोगे, एल्बम कहोगे, कलेक्शन को क्या होगा। फोकस का मतलब होता है किरणों का केंद्र, संगम, जहाँ पे बहुत सारी किरणें आके एक जगह मिलती है उसको आप क्या कहोगे, फोकस कहोगे। जहाँ पे आपका रे किरण जो आके मिल जाए ना, देख रहे हैं कि यहाँ पे गिर रहा, तो उसको आप क्या कहोगे, फोकस कहोगे। और फोकस का पुल्लर क्या होगा, फोकाई कहोगे या फोकसेस कहोगे, दोनों सही है। एक वर्ड और है सेलेबस, सेलेबस का पुल्लम सेलेबी कहोगे या सेलेबसेस कहोगे, दोनों सही है। बोलो समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है। आप बोलिए सिंगुलर पुल्लर यहाँ तक था आपका, क्लियर हो गया, अब कोई दिक्कत तो नहीं है। इसके अलावा सुनो, अभी भी आपका नॉन चैप्टर ख़त्म नहीं हो, समझोगे नॉन चैप्टर का एक भाग, एक पॉइंट ख़त्म हुआ, आप दूसरा पॉइंट चलेंगे जिसका नाम क्या है, जेंडर। तो हेडिंग डालिए जेंडर, पहले ये सब कॉपी पूरा हो गया है, किसी का छूटा तो नहीं है। चलिए हेडिंग डालिए जेंडर, हाँ ये सब आपको असाइनमेंट में मिल जाएगा, एक्स्ट्रा बातें एकदम दिक्कत की बात नहीं है, सब उसमें रहेगा, कुछ भी छूटेगा नहीं, एक्स्ट्रा ही लिखवा देंगे, एक्स्ट्रा ही करवा देंगे, लेकिन कमी नहीं करने देंगे किसी भी चीज़ में, ठीक है ना। वक्त देने से ही सब कुछ होगा, ठीक है। अच्छा ये सब का बना लिया था ना पुल्लर, जिसको छोड़ दिया समझना इस लगेगा ख़त्म। स्टेडियम का क्या बनेगा, स्टेडियम्स, हारमोनियम का हारमोनियम्स, जिमनेजियम का जिमनेजियम्स, एजिलम का एजिलम्स, डेकोरम का डेकोरम्स, पेट्रोलियम का पेट्रोलियम्स, कर लिए थे ना। चलिए हेडिंग डालिए जेंडर, जेंडर। चलिए जेंडर का मतलब समझते हो आप, जिसमें आप हाँ लिंग पकड़ पाओ, लिंग समझते हो, मतलब मेल है कि फीमेल है, कैटेगरी क्या है, उसको आप जेंडर सीधा कहोगे, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए लिखोगे जेंडर का आप डिफिनेशन, द वर्ड विच कैटेगराइज कैटेगराइज द वर्ड विच कैटेगराइजेज कर लो, कैटेगराइजेज सेक्स, सेक्स का मतलब समझोगे यहाँ पे लिंग की बात कर रहा, इज कॉल्ड जेंडर, जेंडर। देयर आर फोर काइंड्स ऑफ जेंडर, मतलब कितने टाइप के जेंडर होते हैं, चार टाइप के, देयर आर फोर टाइप्स ऑफ जेंडर, क्लियर है। पहला लिखोगे मैस्कुलीन जेंडर, मैस्कुलीन जेंडर, दूसरा है फेमिनिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, ठीक है। अगला लिखोगे तीसरे नंबर में कॉमन जेंडर, कॉमन जेंडर, और फोर्थ नंबर में लिखोगे न्यूट्रल जेंडर, न्यूट्रल जेंडर। चलिए चलो कर लोगे, जल्दी जल्दी लिखिए, चलिए। देयर आर फोर काइंड्स ऑफ क्या होगा, जेंडर होगा, टाइप्स कितने हैं, चार बताओ, मैस्कुलिन है, दूसरा क्या है फेमिनिन है, तीसरा क्या है कॉमन है, और पांचवा चौथा क्या है न्यूट्रल जेंडर। लिखो अगला इसका डिफिनेशन, मैस्कुलिन लिख के डैश दीजिए, द जेंडर विच शोज मेल सेक्स इज कॉल्ड मैस्कुलिन जेंडर, इज कॉल्ड मैस्कुलिन जेंडर। हाँ द जेंडर लिखा हुआ है विच शोज मेल सेक्स इज कॉल्ड मैस्कुलिन जेंडर, ठीक है। आगे फेमिनिन जेंडर में लिखना, द जेंडर विच शोज फीमेल सेक्स इज कॉल्ड फेमिनिन जेंडर, वैसे ही लिखोगे।
हो गया। दूसरा पहला नंबर क्लियर है, द जेंडर विच शोज मेल सेक्स इज कॉल्ड, क्या लगाओगे, मैस्कुलिन जेंडर। दूसरा में द जेंडर, अच्छा एग्जाम्पल भी लिखते चलो, एग्जाम्पल लिखो, बताइए बॉय मेल जेंडर को एग्जाम्पल होगा, होगा ना। फादर बताओ मेल जेंडर के एग्जाम्पल होंगे, ब्रदर बताओ मेल जेंडर के एग्जाम्पल होंगे कि नहीं होंगे, जेंडर समझ ना, मेल सेक्स के डी में जाएंगे, फादर हो गया, ब्रदर हो गया, और बताओ क्या होगा, हाँ क्या होगा, द गर्ल कैसे हो जाएगा, ये तो और दिमाग, ए इन लोगों का दिमाग नहीं है रे, मेल मैं हाँ कुत्ता होगा, कुत्ती होगा, इन लोग तुरंत दिमाग लगा दिया, वो सब कहना बोल रहे हैं, आएगा वो टाइम आएगा, फिलहाल अपना हल्का हल्का पे चलो, चलिए अंकल, हाँ अंकल हो सकता, क्या आंटी होगी, नहीं होगी तो अंकल आप लिख सकते हैं, चलो ठीक है बहुत अच्छा, और ईटी से कर लो फिलहाल, इतना दिमाग लगा नहीं, जे आप बेसिक लेवल पे इतनी पढ़े, बाकी हम लोग करवाएंगे पूरा एडवांस लेवल तक कि कैसे कैसे बन रहा है, ठीक है। तो चलो ठीक है ना, बॉय फादर ब्रदर और अंकल ईटीसी कर लें, क्लियर है, मामा भी हो सकता है ना, चलो ब्रदर इन लॉ हो जाएगा, फादर इन लॉ हो जाएगा, बहुत सारा होगा, मदर इन लॉ कैसे हो जाएगा, हाँ स्टेप ब्रदर होगा, जहाँ मेल की कैटेगरी दिखा रहा है, समझ जाना मैस्कुलिन जेंडर की कहानी है, क्लियर है, हो गया ना। अगला अगला इसका डिफिनेशन लिखो, फेमिनिन जेंडर में लिखो, अगला द जेंडर विच शोज, अगला द जेंडर विच शोज, द जेंडर विच शोज, द जेंडर विच शोज फीमेल सेक्स, द जेंडर विच शोज फीमेल सेक्स इज कॉल्ड फेमिनिन जेंडर, द जेंडर विच शोज फीमेल सेक्स इज कॉल्ड फेमिनिन जेंडर, और इसका एग्जाम्पल लिखना, एग्जाम्पल, एग्जाम्पल में क्या लिखोगे, अब तो मुझे उम्मीद है कि समझ गए होगे, क्या लगाओगे, गर्ल होगा ना, सिस्टर बताइए क्या होगा, मदर, बहुत अच्छा, आगे आंटी होगा ना, स्टेप मदर, बहुत अच्छा, स्टेप, हाँ मदर इन लॉ, बहुत अच्छा, और कुछ है आप कह सकते हो, चलिए एटी से कर लीजिए, इतना ही मैं एटी से कर लीजिए फिलहाल, हाँ कज़न, अभी कज़न मतलब चचेरे भाई बहन दोनों होता है, तो यहाँ भागेंगे कॉमन में, दोनों को दिखाएगा, ठीक है। तो अभी आ रहा है नंबर, आ रहा है टेंशन ना लो, जब हम लोग चारों पढ़ लेंगे तो आप खुद डिसाइड कर लोगे कहाँ कौन, क्लियर है। तो बताओ पहला क्लियर है, जो मेल जेंडर को दिखाएगा क्या कहेगा, मैस्कुलिन, जो फीमेल जेंडर को दिखाएगा उसको क्या कहोगे, फेमिनिन जेंडर। तीसरा लिखो, द जेंडर विच शोज या विच इज द जेंडर विच इज कॉमन टू बोथ, द जेंडर विच इज कॉमन टू बोथ मेल एंड फीमेल सेक्स, मेल एंड फीमेल सेक्स इज कॉल्ड कॉमन जेंडर, इज कॉल्ड कॉमन जेंडर, द जेंडर विच शोज कॉमन टू बोथ मेल एंड फीमेल, मेल एंड फीमेल सेक्स इज कॉल्ड कॉमन जेंडर, मतलब दोनों के लिए क्या हो जाएगा, कॉमन होगा, मेल भी उसमें हो सकते हैं और फीमेल भी हो सकते हैं, उसको आप क्या कहोगे, कॉमन जेंडर। बताओ एग्जाम्पल खुद से लिख लेगा क्या, क्या लिखेगा, कज़न लिख सकते हो, देखो कज़न में ब्रदर सिस्टर नहीं लगता, कज़न का मतलब ही होता है चचेरा भाई या फुफेरा भाई बहन, दोनों हो सकता है, ठीक है। तो चलो कॉमन जेंडर की बात करें तो पहले आप लिख सकते हो टीचर, बताओ डॉक्टर, जहां मेल फीमेल दोनों काम करे, ठीक है, डॉक्टर कर लोगे, हाँ इंजीनियर, ड्राइवर, इंजीनियर ड्राइवर जो दोनों काम कर सकते हैं, है ना, और क्या हो सकता है, हाँ पायलट, एटीसी कर लीजिए, बाकी अपना दिमाग लगा के भर दोगे फिलहाल, मतलब लो मतलब आप देखोगे बेसिक लेवल पे इतना ही जानना है आपको, बाकी हम लोग कैटेगरी बांटेंगे कि कैसे मैस्कुलिन से फेमिनिन जेंडर बनाते हैं या फेमिनिन से मैस्कुलिन जेंडर बनाता है, सबका रूल रेगुलेशन है, क्लियर है, बोलो समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अब लिखो अगला लास्ट नंबर, न्यूट्रल जेंडर लिखो, लास्ट नंबर चौथा कितना है, न्यूट्रल जेंडर, न्यूट्रल जेंडर में लिखेगा द जेंडर द जेंडर विच कैन विच 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 शोज
विच शोज नीदर मेल नीदर मेल मेल नॉर फीमेल नीदर मेल नॉर फीमेल सेक्स इज कॉल्ड न्यूट्रल जेंडर द जेंडर विच शोज नीदर मेल सेक्स नॉर फीमेल सेक्स इज कॉल्ड न्यूट्रल जेंडर ना ही ये मेल को दिखाएगा ना फीमेल को दिखाएगा समझ पा रहे कि नहीं पा रहे बताओ खुद बता सकते हो आप अपना पेन यूज करते हो तो क्या मेल फीमेल उसमें है क्या नहीं है तो क्या कहोगे उसको न्यूट्रल जेंडर समझ में आया बताओ आप एग्जांपल ले लीजिए बुक को क्या कहोगे मेल जेंडर की फीमेल है मैस्कुलिन है कि फेमिनिन की कॉमन टू न्यूट्रल तो कहोगे न्यूट्रल है समझ पा रहे हैं हाँ यूनक हाँ चलो ठीक है और कुछ या नॉन लिविंग थिंग्स ज़्यादातर किस में चले आएंगे न्यूट्रल जेंडर तो खुद लिख लो फैन आप अपना फ्लोर लिख सकते हो सब न्यूट्रल जेंडर की कहानी हो गई कर लोगे फोटो फ्रेम है मोबाइल है कंप्यूटर है सब क्या है न्यूट्रल जेंडर तो बहुत सारे ऐसे होंगे कॉपी आपके भर सकते हैं सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग मुझे है कि समझ में आ गई होगी क्लियर है चलिए हेडिंग डालिए अगला हाँ अभी चलेगा लिखो मैस्कुलिन मैस्कुलिन इनटू फेमिनिन मतलब मैस्कुलिन से फेमिनिन कैसे बनाएं ये हेडिंग डाल के आप छोड़ दीजिए वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास समझ में आया अब ये बहुत बड़ा है छोटा मोटा नहीं है पैटर्न पढ़ेंगे एक एक करके तब आपको समझ जितना क्लास आपका कहाँ गया नंबर पे उतना ही क्लास और मतलब कुछ छूटेगा नहीं आपको कभी भी लगे कि नहीं है तो दम बेसिक से चल रहा हर कुछ ठीक है ना कोई दिक्कत तो नहीं है चलो तो हम लोग कब मिलेंगे आप नेक्स्ट क्लास में ये पूरा याद कर लीजिएगा और देखो ये तुमको नया याद करने का वजह ये हो सकता है कि आपके माइंड में ये किताबें नहीं है कोई और आ चुका सीधा सीधा क्योंकि बचपन में याद कीजिए एक ज़माना था कि ABCD पढ़ के आप टॉप बन रहे थे 1 2 3 याद कर करके टॉपर थे आज वो टॉपर कहाँ चले गए क्योंकि उनके दिल दिमाग में किताब की बातें नहीं जाकर किसी और की बातें जा रही है ध्यान वहीं लगा हुआ वरना तुम्हारा माइंड खाली रहेगा और पढ़ा दें तो तुमको कभी भूलना है नहीं भूलता वही है जो अच्छे से याद ध्यान नहीं दिया नहीं तो आज के ज़माने देखो मूवी वूवी देखते हो आप तो मूवी जैसे देखोगे तो ऑटोमेटिक क्या होता दस साल पाँच साल बाद भी बाद में देखोगे मूवी तब पक्का याद रहेगा ई अब मार होगा तो अब ये होगा तो हिरोन आएगी तो ये होगा तब पूरा हू बहू याद रहता पूरा मूवी देखते हो कि नहीं देखते क्यों क्या मेमोरी है मेमोरी समझ रहे क्योंकि आपने ध्यान से देखा था उस टाइम में ध्यान दे देगा ना कि क्या क्या होने वाला बीच में कोई नहीं था सिर्फ आप और उसकी दुनिया थी वही होता है पढ़ाई में जिस दिन आप और आपकी दुनिया में किताब आ जाए तो फिर दोबारा छूने की जरूरत पड़ेगी किताब को एक बार पढ़ लिया तो हमेशा याद रहेगा लेकिन आपकी दुनिया में तो ना जाने कौन कौन है दोस्ती यारी वफादारी जिसकी वजह से आपको याद नहीं और कोई बात नहीं ना तो याद नहीं होगा ऐसा हो ही नहीं सकता समझे कि नहीं समझे बाकी आप तो देख सकते हैं कि आप क्या है नहीं है वो देख लेना ठीक है बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अब जब जाओ और अच्छे से पढ़ लिख कर कुछ नाम रोशन करो बाकी शेयर वेयर करते